हेलो क्यूरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट एंड दिस इज़ योर न्यू मंथ रीडिंग नवंबर 2022। ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे फुल मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनली चाहिए तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022। ओके, फॉर द मैसेजेस, ओके एक्वेरियस, अंडरनीथ आपके पास है स्टार कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, मे बी आपका जो रिलेशनशिप है वो लाइक लॉन्ग डिस्टेंस है और आपको वहाँ से कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, जिसके बाद एक कमिटमेंट ऑफर आ रही है और आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, यानी लाइक एक मेजर हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप वर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे और आप बाहर के लिए अप्लाई करना चाहते थे, तो बाहर से आप किसी जॉब ऑफर का वेट कर रहे थे, तो वो जॉब ऑफर आपको मिल सकती है। इट्स अ बिग विश। ओके, देखते हैं कि बाकी कार्ड्स आपके लिए क्या हैं। एक्वेरियस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, हर्मिट, फोर ऑफ सोर्स। सो यहाँ पे फोर 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 आ चुके हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ, हो सकता है आप फोर 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 नंबर ट्रिपल फोर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ओके, थ्री ऑफ कप्स, टावर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको कहा कि हो सकता है ये कमिटमेंट ऑफर आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है, या आप अपने पर्सन को कमिटमेंट कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन कर रहे हैं, और ये कोई जॉब ऑफर भी हो सकती है फ्रॉम ओवरसीज। सो यहाँ पर कमिटमेंट तो है बट उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कमिटमेंट। अगर कोई आप किसी ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और हो सकता है आप उस पर्सन से इंगेज हों या आप कमिटेड हों किसी तरीके से, बट आप इस कमिटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हैं करंटली, आपकी जो है वो सिचुएशन हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसला अपने लिए करना चाहते हैं, क्योंकि यू आर हार्ड टू सरेंडर दिस टाइम। अगर आप किसी कमिटमेंट में थे ऑलरेडी, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे ऑलरेडी, तो अब आप सोच रहे हैं उस रिलेशनशिप के हवाले से फ़ैसला आपको करना है, ठीक है। या तो आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं करे आपके ऑफ़र को, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं करें इस कमिटेड रिलेशनशिप को। बट यहाँ पर इन द एंड मैं देख रही हूँ कि आप अपनी डिज़ायर के हिसाब से जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं, या फिर आपको वो ऑफ़र मिल सकती है डिज़ायर के हिसाब से। और लाइक आप अपने लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपने फैसला कर लिया है, अब आप एक्शन ले रहे हैं। ये एक सरप्राइजिंग सिचुएशन हो सकती है, आपके सराउंडिंग्स के लोग भी हो सकते हैं इसमें, आपके सराउंडिंग के लोग, आपकी फैमिली फ्रेंड्स, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी जो है वो शो करता है। तो यहाँ पर सराउंड के आप जो फैसला कर रहे हैं, जो डिसीजन आप ले रहे हैं इस मंथ ऑफ नवंबर में, वो आपके लिए आप इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो स्टैंड करते हैं, क्योंकि आपने बहुत टाइम लिया है और इस डिसीजन को बनाने के लिए बहुत टाइम लिया है और सोच समझ के फैसला किया है। तो यस, आप जहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं वहीं पे आप उस कमिटमेंट को देंगे, अदरवाइज़ आप नॉट इंटरेस्टेड हैं किसी और ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में, जो कि लोगों के लिए, आपके लिए थोड़ा लोगों के लिए, या फिर आपके पर्सन के लिए जो कि आपसे ऑलरेडी कमिटेड है, या जो लोग आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन आप जो है अपने उस पर्सन से रियूनाइट हो रहे हैं जिसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप सोच समझ के फैसला कर रहे हैं, आपको अब वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करनी जो जिनके साथ आपके इमोशंस अटैच नहीं हैं। तो एट द एंड आप ज़रूर जो है अपना ऑफ़र उस पर्सन को देंगे जो कि आपका डिज़ायर पर्सन है, जो कि यहाँ पर शो है कि कमिटमेंट ऑफ योर डिज़ायर। तो यहाँ पर
डेफिनेटली आप बोल्ड एक्शन टूवर्ड्स दिस सिचुएशन ले रहे हैं और आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं. आपको यूनिवर्स की तरफ से भी ये एडवाइस है कि आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए स्मूथली, सबके अंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर आप चल रहे हैं. ठीक है, सबको अंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर आपको चलना है क्योंकि आप एक कमिटमेंट करने जा रहे हैं, अपने लिए एक बोल्ड एक्शन ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में. इंगेजमेंट लाइक आप या तो योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. लाइक आपकी जो लव लाइफ है वो एक इंगेजमेंट में बदल सकती है. अगर लव सिचुएशन है तो वो इंगेजमेंट में बदल सकती है, और अगर सिर्फ इंगेजमेंट है तो शादी भी हो सकती है. तो इससे ये एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है आपका रिलेशनशिप. बट कैसे कि आप उस अपने डिज़ायर्ड पर्सन के साथ इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, ना कि जो आपको अदर ऑफर्स आ रही हैं उनसे. सो लेट्स सी कि यहाँ पर विजडम ओरेकल डेक से, चक्र विजडम ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फ्रॉम यूनिवर्स. ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, मैं सबको नहीं लूँगी. ओके, वन कार्ड इज हियर, कंप्लीशन. यहाँ पे आपकी डिज़ायर की कंप्लीशन है इस रिलेशनशिप की. जो आप चाहते थे वो एक प्रोसेस है जो हो सकता है कंप्लीशन तक पहुँच गया हो. आपने जो डिज़ायर की थी वो आपको मिल रही है, और एक्सेप्टेंस लाइक आप एक्सेप्टेंस भी आपके अंदर आ रही है, या फिर आपके सराउंड के जो लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि आप सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, सारी अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको एक सेम पेज पे लाकर ही इस कमिटमेंट को भी लेके आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस आ रही है, हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को. यस, आप अकेले नहीं करेंगे ये काम, फैमिली के थ्रू ही करेंगे. ओके, सो मोनोलॉजी डेक से ले लेते हैं आपके लिए कार्ड, देखते हैं कि उससे आपके लिए क्या एडवाइस आती है मोनोलॉजी डेक. मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू. अगर आपके पास्ट में कोई कमिटमेंट थी तो आप उस पर अब रिलाई नहीं करना चाहते, उससे आप फ्री होना चाहते हैं. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. यस, अगर आपके माइंड में आप पास्ट आपको होल्ड करके रखता था अपनी लाइफ में और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, तो अब आपको इससे आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं और जो स्टेप्स आपको लेने हैं ज़रूरी स्टेप्स वो आप स्टेप्स ले रहे हैं यहाँ. सो लाइक आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, बोल्ड स्टेप्स आप ले रहे हैं, और पास्ट को आपको होल्ड नहीं करना है. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं अपने डिज़ायर रिलेशनशिप में, तो आपको अपने पास्ट को पीछे ही छोड़ना होगा. सो दैट वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस. इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो. लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.